IHM भोपाल में वार्षिक खाद्य और वाइन महोत्सव द सागरा का आयोजन 22 मार्च को किया जा रहा है। इस महोत्सव में IHM के विद्यार्थियों का हुनर सबके सामने आएगा। इसमें यूरोप और एशिया के स्वादिष्ट व्यंजनों की एक श्रृंखला को प्रदर्शित किया जाएगा। IHM भोपाल के वार्षिक खाद और वाइन महोत्सव द सागरा में यूरोप और एशिया के स्वादिष्ट व्यंजनों की एक श्रृंखला को प्रदर्शित किया जाएगा। IHM भोपाल के प्रिंसिपल डॉक्टर रोहित सरीन ने बताया कि शानदार व्यंजनों की तैयारी, व्यंजनों की सर्विंग, क्लासिक मॉकटेल, वाइन और मंत्रमुग्ध करने वाले बैंड प्रदर्शन का कार्यक्रम का प्रबंधन स्टूडेंट्स की अलग अलग टीमों ने किया है। प्रिंसिपल रोहित सरीन ने बताया कि शानदार खाद्य और कुशल अतिथि सेवा से और आतिथ्य गुणों को प्रदर्शित इसका मुख्य उद्देश्य है। इवेंट प्लानिंग और प्रबंधन के छात्रों के लिए कुछ अच्छा तथा नया सीखने का मंच संस्थान द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो एक्चुअली जो हमारा सर करीबन 30% स्टूडेंट है वो भोपाली है, तो एक तो माध्यम ये हो गया कि इन बच्चों के ही अपने काफी ज्यादा ग्रुप्स बने हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये काफी ज्यादा बूस्टिंग वगैरह चलती रहती है। प्लस एक एडवांटेज ये भी है कि ये कॉलेज बहुत पुराना है और सरकारी कॉलेज है और करीबन 50 बैच जो हैं यहाँ से पास आउट हुए हैं। तो भोपाल में ये बताना कि IHM भोपाल कहाँ पर है और उसकी खासियत क्या है, ये तो सिंपल आइडिया है, बट क्योंकि ये इवेंट हो रहा था और ये काफ़ी गैप के बाद हो रहा था, तो कोई भी ऐसा टूल जो है हमने नहीं छोड़ा है, चाहे वो सोशल मीडिया का फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, आप भोपाल की जितने भी अपने वो ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे जायका है या भोपाली स्वाद है, सब में हमारी रील्स चल रही हैं। और हम जो सोच रहे थे कि हम ज़्यादा ना बुलाएं, ज़्यादा ना करें, क्योंकि हमारे गेस्ट ऑफ इनवाइटीज काफ़ी ज़्यादा हैं। गेस्ट में मैंने कुछ नाम लिखे थे इसमें ज़्यादातर, बट आचार संहिता के कारण सिर्फ 3-4 मिनिस्टर्स लोग आ रहे हैं, बट जो उनकी PS हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सारे आ रहे हैं। तो इसमें हमने इनविटेशन तो प्रहलाद साहब को भी भेजा है, शिवाजी पटेल जी को भेजा है और कृष्णा गौर जी को भेजा है। पूरी की पूरी लॉयर बेल्ट है, पूरा अपना बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीबन 100 गेस्ट हमारे साथ शामिल होंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।